जीना मुश्किल हो रहा है, रातों को कोई सो नहीं पा रहे हैं, पता है। बाप रे बाप। मीडिया को अभी मीडिया को घुसना बंद कर दिया वो लोग। और कहा पूरा बांग्लादेशी रिफ्यूजी जो कोलकाता में रखा था ममता बनर्जी 250 से 300 एकदम, सर मानोगे नहीं सर, एज कितना है बच्चों का, 12 से लेकर 16 के अंदर पूरा बच्चे का एज, ठीक है, उनमें से 20 में एक आधा कोई बड़ा है तो नहीं तो बाकी सारे। और ये छर्रा वाला कौन सा बॉम्ब फेंक रहे हैं, और मतलब पतला वाला छर्रा होता है ना ब्लेड जैसा, इसके कुछ बॉम्ब फेंक रहा है, मतलब बुरा कंडीशन कर रखा है, मीडिया को घुसने भी नहीं दे रही। यार ये जनता भी है ना तुम्हारी, वेस्ट बंगाल की जनता को मानना पड़ेगा यार कम से ज्यादा। चलो मैं कोशिश करता हूँ दोस्त। बहुत बुरा कंडीशन है सर, अभी मेरे मामा जी के घर के ऊपर सुबह तोड़ फोड़ करके आग लगा दी, अभी मेरा घर भी टारगेट में हो गया। तो ये कौन कर रहे हैं, मुस्लिम लोग कर रहे हैं? हाँ मुस्लिम लोग कर रहे हैं। अभी मेरा बाबा पापा भी फौजी थे, तो भी बीजेपी का फुल सपोर्टर है। यार ये सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए यार इमीडिएट वहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा काटपीट कर रहे हैं ये कटवा लोग। अरे यार नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। हम आपको एक फोन कॉल सुनाने जा रहे हैं जो कि ये बंगाल का है। बंगाल में एक फौजी के परिवार को कैद कर लिया जाता है, फौजी का एक बेटा और उसका पिता और उसकी माँ, यानी कि दो एक बाप और एक बेटा, दोनों ये सेनानी हैं, और वहीं पर माँ एक हाउस वाइफ है, यानी कि घर गृहस्थी के काम में रहती है। लेकिन फिर भी गुंडों ने पता नहीं क्या सोचा, ममता बनर्जी के गुंडों ने पता नहीं क्या सोचा कि उस फौजी के परिवार को बंधक बना लिया। क्या है पूरा मामला, आप खुद ये फ़ोन कॉल सुनिए कि किस तरह से हाथ पैर जोड़ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मासूम बच्चे बम फेंक रहे हैं। ये जो फ़ोन कॉल मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बेहद खुलासा करने वाला फ़ोन कॉल है कि मासूम बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र होती है, जिनके हाथों में कापी कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में बम थमा दिया गया है, और वही बच्चे ये बम मासूम जनता पर फेंक रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आप फोन कॉल सुनिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, सुनिए पूरी फोन कॉल। हेलो सर, राम राम, डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो? दास बोल रहा हूँ। हाँ बोलो दास, क्या हाल है? बढ़िया, पहचाना क्या यार? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोल भाई। कैसे कैसे पहचाना, मैं थोड़ा बताना प्लीज। हैं कैसे पहचाना, मैं कहाँ से मिला था आपको, कहाँ पे लास्ट रहा आपके साथ? यार तो यूनिट में रहा यार दास। हेलो, 2010 में अमृतसर से मैं पोस्टिंग निकल गया था। हाँ दास, अब सरवंस में रहता था, याद आया? बिल्कुल 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 दास। और अच्छा, दस में चला गया था ना, पहले आसाम तरफ गया था तू पहले? हाँ मैं नहीं, मैं ब्रिगेड में गया था ना सर। हाँ ब्रिगेड में भी तो कहीं गया था। और बता, आप तो घर आ गया? हाँ, तुम ड्यूटी कर रहे हो क्या? ड्यूटी कर रहा हूँ, बस जाने के लिए तड़प रहा हूँ, छोड़ नहीं रहे। अरे यार प्रमोशन मिल गया? प्रमोशन लिया नहीं सर, बस और 2-2.5 साल में निकल जाएंगे। प्रमोशन अनविलिंग कर दिया। अनविलिंग करा? हाँ 18 साल चल रहा है। अच्छा, बस 2 साल के बाद निकल जाऊंगा। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हूँ, हम नंदीग्राम के हैं। कहाँ के हो? नंदीग्राम का हूँ मैं। अच्छा नंदीग्राम के हो, चलो बधाई है यार तुमने सुमेंद्र अधिकारी को जीता दी। अरे जीता तो दिया, हमारा जीना मुश्किल हो रखा है। मेरे को कुछ हेल्प कर सकते हो क्या कुछ साइड से? मतलब बहुत ज्यादा काटपीट कर रहे हैं ये कटवा लोग। अरे यार तो बहुत परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कोई आपको वीडियो भी भेज दूंगा, हमारा जितना भी हिंदुओं का क्लब था पूरा क्लब में आग लगा दिया गया, हिंदुओं को काटा जा रहा है। ठीक है, तो अभी प्रशासन मदद नहीं कर रही? प्रशासन कुछ नहीं मदद कर रहे। बाप रे, उसको रिपोर्ट दिया हम लोग तो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं बलवंत सर को बोला था, बोलना सर ऐसे ऐसे बात है, मैं सुना में कोई एक हिंदुओं का अलग सा वो है, कुछ मदद नहीं। सर बोला सत्य सर से बात करो, अगर उनसे अगर कुछ हो पाए तो। चलो मैं कोशिश करता हूँ दोस्त। बहुत बुरा कंडीशन है सर, अभी मेरे मामा जी के घर के ऊपर सुबह तोड़ फोड़ करके आग लगा दी, अभी मेरा घर भी टारगेट में हो गया। तो ये कौन कर रहा है, मुस्लिम लोग कर रहे हैं? हाँ मुस्लिम लोग कर रहे हैं। अभी मेरा बाबा पापा भी फौजी थे,
कि वो भी बीजेपी का फुल सपोर्टर है। यार ये सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए यार इमीडिएट वहाँ पे। दिनों मुश्किल हो रहे हैं, रातों को कोई सो नहीं पा रहे हैं, मीडिया को घुसना बंद कर दिया वो लोग। और कहा पूरा बांग्लादेशी रिफ्यूजी जो कोलकाता में रखा था ममता बनर्जी 250 से 300 एकदम, सर मानोगे नहीं सर, एज कितना है बच्चों का 12 से लेकर 16 के अंदर पूरा बच्चे का एज, ठीक है, उनमें से 20 में एक आधा कोई बड़ा है तो नहीं तो बाकी सारे। और ये छर्रा वाला कौन सा बॉम्ब फेंक रहे है, और मतलब पतला वाला छर्रा होता है ब्लेड जैसा, इसका कुछ बॉम्ब फेंक रहा है, मतलब बुरा कंडीशन कर रखा है। यार ये जनता भी है ना तुम्हारी, वेस्ट बंगाल की जनता को मानना पड़ेगा यार, कम से कम बीजेपी अगर आ जाती शासन में तो ये लोग चुप तो रहते कम से कम। चले ये साला कुछ बंगाली है ना, हाँ मादर चुद है। अरे बाप रे यार, ये तो भयंकर यार, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता यार कि बेंच से सरेआम तुमको मार काट रहे हैं फिर भी साला सपोर्ट ममता को कर रहे हैं, कैसे लोग हैं। सपोर्ट तो ममता को किया है लेकिन गड़बड़ हुआ है, ईवीएम अभी अभी जो ममता का पार्टी का जो लीडर्स है उनके घरों से ईवीएम मशीन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है। हाँ वो तो भैया गड़बड़ तो हुआ है दोस्त, क्योंकि सब प्रशासन वगैरह सब दादागिरी करते हैं। हमको उम्मीद था कि मैं तो जानता था कि मनमोहन जी सरकार बनेगा लेकिन इस हिसाब से नहीं बनेगा, मेरे को 100% उम्मीद था, मतलब भारी मतों से बनना था उसने, मतलब खींच खाच के बनना था। अच्छा, खींच खाच के टीएमसी बनना था और वो भी गठबंधन के साथ, नहीं तो नहीं बनना था, ये हमारे को उम्मीद था। हाँ। लेकिन इस हिसाब से हो जाएगा कोई नहीं सोचा था। अरे दोस्त मैं करता हूँ जितना भी यहाँ पे संपर्क में है ना, कोशिश तो करेंगे ये मतलब ये कि राष्ट्रपति शासन जल्दी लागू हो वहाँ पे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अकेले तो ऐसे कोई जा नहीं सकता है अब, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन से ऐसी है, क्या करें। आपको मैं सुनो, जैसे ऐसे वीडियो आते रहेगा आपको मैं वीडियो क्लिप डालते रहूंगा, क्या क्या किया है हमारा हिंदुओं का क्लब का, जहाँ डालो मैं सोशल मीडिया पे भी इसको डालता हूँ है ना, और जो यहाँ के नेता है हमारे लोकल जो दिग्गज अपने विजय वर्गीय जी, कैलाश विजय वर्गीय वहाँ के प्रभारी रहे हैं, तो मैं उनसे संपर्क कराता हूँ एक बंदे का, तो ठीक है सर है ना। हाँ बुरा हाल है सर, मतलब अभी जो सिचुएशन है ना बहुत बहुत खराब सिचुएशन हो गया। कल हमारा जो हम हिंदुस्तान का जो मंदिर होता है ना, वो मंदिर को तोड़ दिया। और ये सारे क्या दूसरे गांव से आके कर रहे हैं क्या, खुद के गांव के ही जो लोग हैं वो हो रहे हैं जो मुस्लिम है। सुनो लोकल दो चार है, बाकी पूरा बाहर बाहर का लाके ये सब करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो आप गूगल में सर्च करोगे कलकत्ता का मेटिया गुरु जिसको मिनी पाकिस्तान बोलता है, उधर से पूरा लाया है, और उसमें पूरा आपको बांग्लादेश का मिलेगा कट्टर मुसलमान। ओहो बहुत स्थिति खराब है दोस्त, चलो मैं ज्यादा मैं तुमसे और है ना संपर्क करता हूँ है ना, मेरे को भेजते रहना, इससे नंबर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा दो चार फोटो भेजता हूँ आपके पास। हाँ। और मैं कलेक्ट करके भेज दूंगा, देखना मेरे को बस ये चाहिए, ये मुसलमानों को कुछ तो सबक होना चाहिए। उधर अच्छा सा कोई है हिंदू का कौन सा ग्रुप बता रहा था? अरे ग्रुप क्या है, ये भी जब तक लोकल सपोर्टर्स नहीं होते हैं कोई भी कुछ नहीं कर पाता वहाँ, तो वही स्थिति होगी कश्मीर वाली स्थिति होगी दोस्त। लोकल नेता मतलब सुरेंद्र अगर सपोर्ट करेगा तो हो जाएगा। हाँ, वो तो करेंगे ही करेंगे ना, वो करेंगे और वो अपने स्तर पे कर ही रहे होंगे, केंद्र के साथ उनका वो चल ही रहा होगा। अरे सर ऐसे नहीं होगा, तब तक तो कितना लोग मर जाएगा है ना, और घरों में लूट रहे आग लगा रहे। अरे बाप रे, ठीक है कोई आगे नहीं जा पा रहे, कोई आगे जा नहीं पा रहे, एकदम फेस टू फेस फोटो ले, इतना हिसाब से चल रहा है। और बाप रे बाप, ओहो ठीक है दादा, मैं प्रयत्न करता हूँ दोस्त है। हाँ ठीक है, करना फोन है, थोड़ा बात कर लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है सर, राम राम सर। आपने फोन कॉल सुना जिसमें शायद हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने सब कुछ सुन लिया होगा कि फौजी के परिवार ने क्या क्या कहा, उसके ऊपर क्या बीत रही इस वक्त, और ममता बनर्जी के गुंडे जो बांग्लादेश से आए हैं
वो किस तरह से कत्लेआम कर रहे हैं ये आपने सब देख लिया। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।